मैं डॉक्टर उमा श्री अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आई हूँ आज का राशिफल लेकर। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, आज 30 सितंबर है और आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आज असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक हम मनाते हैं, रावण दहन करते हैं और श्री राम जी की हम पूजा करते हैं। तो आप सभी को इस विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन के हर क्षेत्र में आप श्री राम जी की तरह विजय प्राप्त करें। जीवन में अपने रावण को हराकर अपने भीतर श्री राम को महसूस करें, उनकी पवित्रता को महसूस करें आप। आज मैं यही शुभकामना आपको देती हूँ और इसी के साथ मैं आज प्रस्तुत करती हूँ आपका राशिफल। आज मित्रों 30 सितंबर 2017 है, शनिवार है आज और आज तिथि दशमी तिथि है। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, अतिगंड नामक योग है, तैतिल नामक करण है और चंद्रमा संपूर्ण दिन मकर राशि में संचार करेंगे। और मित्रों, आज क्योंकि दशहरा है इसलिए स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। आज आप लोग वाहन की खरीदारी कर रहे होंगे, घर में ज्वेलरी या और भी लग्जरी सामान की खरीदारी कर रहे होंगे, तो लगे रहें ईश्वर आपके घर में दिनों दिन इसी तरह के सामान आते रहें, उत्सव मनते रहें और खुशियों का माहौल आपके घर में बना रहे। तो इसकी मैं आज आपको और भी शुभकामना देती हूँ और इसी तरह से आपके घर में बरकत होती रहे। आज मित्रों, जो आज बच्चे जन्म लेंगे उनका जो मूलांक बना है वो 3 बना है और उनका जो भाग्यांक बना है वो 4 बना है। 3 मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। उनका जो लॉर्ड होता है वो बृहस्पति होता है। ज्योतिष के हिसाब से तो हम 12 लग्नों की गणना करते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में जो 3 अंक है वो बृहस्पति का है और बृहस्पति से संबंधित चीज़ों से इनको फायदा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बच्चे बहुत नाम रोशन करते हैं और अगर इनको प्रोत्साहित किया जाए तो काफ़ी उच्च पदों पर भी ये आते हुए देखे गए हैं। तो आज जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मित्रों आते हैं पाए की तरफ। आज तांबे का पाया है, तांबे का पाया अत्यंत शुभ होता है, उन्नति वर्धक माना गया है इसे। और आज जो नामाक्षर हैं वो हैं ज और जी और खी। मित्रों आज 6:16 से श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और उससे पहले जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। तो जो नामाक्षर हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले तो जय और जी हैं। और श्रवण नक्षत्र में जो बच्चे जन्म लेंगे सायं 6:16 के बाद में उनका जो नामाक्षर बनता है वो खी बनता है। तो इस बात का वे विशेष ध्यान रखें। अब मैं आती हूँ आज के राशिफल की तरफ, जिसे मैं प्रारंभ करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी। उनके जोड़ों में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है और बीपी भी उनका थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। एक न एक चिंता आपकी माता को परेशान करेगी। तो आज अपनी माता का आप पूरा पूरा ध्यान रखें और उनको हर काम में सहयोग करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उन्हें क्रोध आ जाए या वो किसी बात से परेशान हो जाएं। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत फ़ायदा रहेगा और उनका कार्य जो है अच्छा जाएगा। हालांकि दशहरे के दिन वैसे अवकाश रहता है, लेकिन कनेक्शन ऐसे बनेंगे, ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है। आप आज गाय को चारा डालें जिससे आपका जो दिन है वो और भी मंगलमय हो सकता है। अब हम आते हैं मित्रों वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के लिए जो दिन है वो भाग्यवर्धक बना है। कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है उनको और भगवान श्री गणेश की पूजा करके, इस विशेष रूप से अगर वे हरे गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनको व्यवसाय में भी उन्नति की प्राप्ति होगी। इस बात का आज आप विशेष ध्यान रखें। मित्रों अब हम आते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के लिए जो समय है वो अनुकूल है। विवाह की आज बातचीत हो सकती है, कोई भी आज आपके पास इस तरह की बात करने आ सकता है, लेकिन एक ना एक तनाव की स्थिति भी आपकी बनी रहेगी। कोई स्वास्थ्य में कोई नरमी जैसी स्थिति आ सकती है और मन बेचैन भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वाहन वगैरह आप संभल कर चलाएं तो आपके लिए दिन थोड़ा सा ठीक बन पड़ेगा। और तांबे की कोई वस्तु आज दान कर दें तो आपके जो स्वास्थ्य में नरमी है उसमें थोड़ा सुधार होगा। अब हम आते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि में थोड़ा तनाव की स्थिति बनी है, परिवार में कोई बहस वगैरह हो सकती है, कोई आपको उलझाना चाहेगा, कोई मिसगाइड करना चाहेगा, लेकिन आप अपने सूझबूझ से उसको निकलने की आज कोशिश करें। आप सफ़ेद जो गाय है
उनकी सेवा करें, वैसे तो किसी भी गाय की कर सकते हैं, क्योंकि गाय की सेवा अपने आप में एक अमृत तुल्य फल देने वाली चीज़ होती है, लेकिन विशेष रूप से अगर सफ़ेद गाय आपको मिल जाती है तो आप उनकी सेवा करें और उनको चारा वगैरह डालें तो आज आपका दिन उत्तम बन सकता है। अब हम आते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि में आज जो लव वन है उनके बीच किसी बात को लेके बहसबाजी हो सकती है, और किसी का कोई बहुत खुलापन, खुला व्यवहार दूसरे को आहत कर सकता है, तो संयमित व्यवहार रखें। और किसी को कुछ भी बात बोलें तो सोच समझ के बोलें, उस बात का इशू बन सकता है, आपकी बदनामी हो सकती है, तो इस बात का आप विशेष आज ध्यान रखें। सूर्य भगवान को नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आप थोड़ा संयमित रहेंगे और सोच समझ कर बोल पाएंगे, इसलिए इस चीज़ का आज आप विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए जो समय है वो थोड़ा ठीक बना है, माता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें तो दिन और भी आपके अनुकूल हो जाएगा। घर में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ सकता है जो आगे के लिए आपके लिए सफलता में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा घर में कोई लग्जरी वस्तु आ सकती है, कोई पूजा पाठ वगैरह आप करा सकते हैं, तो इस तरह के कार्यों से आपको लाभ होगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करके चलें और अनावश्यक किसी को सलाह ना दें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको भी हरे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और मूंग का सेवन करना चाहिए, तो इससे आपको लाभ होगा। अब हम आते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के लिए जो आज का समय है वो थोड़ा तनाव वाला रहेगा, मेहनत करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन घर में एक ना कोई समस्या बनी रहेगी। घर में कोई सदस्य है जिसका व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, किसी का रूखापन आपको परेशान कर सकता है, किसी से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे और बदले में क्या मिलेगा, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन अपने आप को आप नियंत्रित करके चलें। और माता के स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें, व्यर्थ में आप किसी से कोई बहस वगैरह ना करें तो आपका जो समय है वो आज थोड़ा ठीक बन सकता है। और पीली वस्तु का कोई दान करें, धर्म स्थान में कोई पीली वस्तु चढ़ाएं तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि में जो आज का समय है वो थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन अपनी सूझबूझ और पराक्रम से इस नकारात्मक समय को भी आप सकारात्मक बना पाएंगे। लाल रंग के गणेश जी की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें तो बिगड़े हुए काम भी आज बन जाएंगे। अब हम आते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के लिए जो आज का दिन है वो ठीक बना है, और थोड़ा वाणी पर संयम रख के चलें, मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और मंदिर में आप थोड़ा दर्शन करें भगवान के जाकर, तो आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी, अन्यथा जो समय है वैसे तो आपके अनुकूल है लेकिन कोई ना कोई कड़वी बात सामने आ सकती है जिससे कोई ना कोई परेशानी पैदा हो सकती है, इसलिए संयमित भाषा का आप प्रयोग करें। अब हम आते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि में थोड़ी टेंशन रहेगी, थोड़ा तनाव रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि परेशानी किस वजह से हो रही है, हर काम में कोई ना कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई बाधा पैदा करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो रेंगने वाले कीड़े वगैरह हैं उनसे भी बच्चों को थोड़ा संभाल के रखें, उनको बच्चे को काटने का जो आज का जो दिन है उसमें ये योग बनता है कि छोटे बच्चों को कोई कीड़े वगैरह काट सकते हैं, बड़ों को भी काट सकता है लेकिन छोटे बच्चों को आप विशेष रूप से इससे बचा कर रखें और उनका आप पूरा ध्यान रखें तो आज का दिन अनुकूल बन सकता है। धर्म स्थान में थोड़े से चावल चढ़ा दें तो आज का दिन और बेहतर बन सकता है। अब हम आते हैं मित्रों कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि में जो आज का दिन है वो थोड़ा खर्चे का योग बना रहा है, लेकिन थोड़ा नियंत्रित करके चलें। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, विदेशी संबंध आगे आपके जो कारगर होंगे व्यवसाय को बढ़ाने में। आज का दिन आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से और खर्चे की दृष्टि से तो खराब है, लेकिन कुल मिला के एक दिन आपका औसत ही रहेगा। इसके लिए आप क्या करें, काली माता के दर्शन करें और उनसे आप थोड़ी शक्ति मांगें तो आपको आगे के लिए रास्ता बनेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो आज का दिन है वो लाभप्रद बना है, कहीं ना कहीं से कोई लाभ प्राप्त होगा, धन में वृद्धि होगी। अगर कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है तो आज आवश्यकता से अधिक आपकी बिक्री होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का जो समय है वो अच्छा रहेगा। थोड़े से गुड़ वाले चावल स्वयं भी खाएं और परिवार में सबको खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम जा सकता है। ये तो था मित्रों आपका आज का राशिफल। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप लाइक भी कीजिए, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए, जिससे मैं आगे से आगे आपको भविष्य से संबंधित जानकारी दे सकूं, ज्योतिष से संबंधित आपको जानकारी दे सकूं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं मित्रों। जय श्री राम। फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, किसी नए विचार के साथ। टिल देन जय श्री राम और नमस्कार।